नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू MG7 से एक इम्पॉर्टेंट पोएम जो कि है एन इंट्रोडक्शन, जिसे लिखा है कमला दास ने। एन इंट्रोडक्शन अपीयर्ड इन कमला दास फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स समर इन कलकत्ता। मींस कि आपकी ये जो पोएम है एन इंट्रोडक्शन, ये कमला दास की फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन समर इन कलकत्ता से ली गई है। तो इस पोएम के थ्रू पोइटेस ने सोसाइटी में वुमेन इनइक्वालिटी एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसे इविल्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है एंड ये बताने की कोशिश की है कि किस हद तक इंडियन सोसाइटी में जो वुमेन है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं। ओके, तो डिस्कस करते हैं एन इंट्रोडक्शन पोएम की समरी। एंड हाँ, एक और बात, आप इस पोएम के पहले लिरिक्स अपने बुक से देख लेना, उसके बाद आप इस समरी को सुनना तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस पोएम की स्टार्टिंग में पोइटेस हमें बताती हैं कि वो पॉलिटिक्स नहीं जानती हैं, उन्हें पॉलिटिक्स का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बट वो पॉलिटिशियंस के नाम ज़रूर जानती हैं, वो भी ऑन टिप। पोइटेस जो हैं वो यहाँ पर एक तरह से ताना मार रही हैं कि उन्हें पॉलिटिक्स का नॉलेज नहीं है, बिकॉज उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला कि वो पॉलिटिक्स में जाकर जो है मतलब कि गवर्नमेंट को रूल कर सकें। तो अगर गवर्नमेंट कभी रूल की नहीं, पॉलिटिक्स में कभी गए नहीं, तो उन्हें नॉलेज कैसे होगा पॉलिटिक्स का। तो इस तरह से यहाँ पर एक तरह का ताना मारा है कमला दास ने। तो एक्चुअली यहाँ पर जो पोइटेस हैं वो कहना चाह रही हैं कि इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में पॉलिटिक्स में मैक्सिमम मैन ही हैं एंड पॉलिटिक्स में वुमेन के लिए कोई भी प्लेस नहीं है एंड वुमेन को कभी भी गवर्नमेंट रूल करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। तो अब आगे पोइटेस अपने बारे में बताती हैं कि वो एक इंडियन है जिनका कलर ब्राउन है, मीन्स कि गेहुआ सा उनका कलर है, जो मालाबार में रहती है। पोइटेस कहती है कि वो 3 लैंग्वेजेस जानती है, हालांकि वो 2 लैंग्वेजेस में ही बोलती है एंड एक लैंग्वेज ऐसी है जिसमें वो अपने ड्रीम्स देखती है। तो यहाँ पर जिन 3 लैंग्वेजेस की बात हुई है, एक्चुअल में वो लैंग्वेजेस हैं आपकी इंग्लिश, हिंदी एंड मलयालम, बिकॉज जो कमला दास जी हैं उन्हें ये 3 लैंग्वेजेस अच्छे से आती थी, तो इन्हीं लैंग्वेजेस के बारे में उन्होंने यहाँ पर बात की है। कमला बताती हैं कि उन्हें इंग्लिश आती थी तो वो इंग्लिश में लिखा करती थी, तो उनका एक क्रिटिक फ्रेंड था जो उन्हें लिटरेचर इंग्लिश में ना लिखने के लिए कहता था, लेकिन कमला जी जो है वो इस क्रिटिक की बात को नहीं मानती हैं, बिकॉज पोइटेस के अकॉर्डिंग, जो हमारी कमला दास है उनके अकॉर्डिंग, जो भी लैंग्वेज इंसान जो है सीख लेता है वो उसकी अपनी लैंग्वेज बन जाती है, ऐसा कमला दास मानती है। एंड पोइटेस जो है वो ऑनेस्टली आगे बताती हैं, हालांकि कि वो इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज को समटाइम मिक्स कर देती। तो ये लाइन बोलकर जो है हमारी पोइटेस हमें ये बताना चाह रही हैं कि उनको हालांकि इंग्लिश भी उतनी अच्छे से नहीं आती, इतनी फ्लुएंटली नहीं आती है, तो कई बार वो हिंदी लैंग्वेज को मिक्स कर देती हैं, जैसा कि आपको पता है कि इंडियन लोग जो है ऐसा कर देते हैं। पोइटेस के अकॉर्डिंग लैंग्वेज सिर्फ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है एंड हमें लैंग्वेज को पॉलिटिक्स में नहीं लेकर जाना चाहिए, मतलब कि लैंग्वेज के साथ पॉलिटिक्स तो नहीं करनी चाहिए, जिसे जो लैंग्वेज पसंद है वो उसे यूज़ कर ले। तो यहाँ पर जो कमला दास है वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अपने प्यार को शो कर रही हैं। तो अब आगे पोइटेस ने वुमेन की पेन को डिपिक्ट किया है, वो वुमेन जो आफ्टर मैरिज अपने हस्बैंड्स की लस्टिनेस का शिकार होती हैं। एंड पोइटेस ने अपनी प्यूबर्टी टाइम की बात भी शेयर की है कि उनकी प्यूबर्टी टाइम पे उन्होंने किस तरह से सफ़र किया था। पोइटेस कहती हैं कि जब वो अपनी प्यूबर्टी एज में एंटर हुई थी तो लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि अब वो फिजिकली मैच्योर हो चुकी है एंड अब उसकी शादी जो है कर दी जानी चाहिए। तो आगे पोइटेस ने अपनी अर्ली एज मैरिज के बारे में बताया है कि जब उनकी शादी कर दी गई थी तब वो जस्ट 16 साल की थी एंड उनको दिन दुनिया का कुछ पता नहीं था, उन्हें कुछ नहीं पता था कि शादी क्या चीज़ है, शादी के बाद क्या क्या होता है। तो उनकी जो है शादी बहुत ही अर्ली एज में करा दी गई थी एंड इस एज में जहाँ उन्हें इमोशनल लव एंड इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी, उस एज में उन्हें लस्टी एक्सपीरियंसेस फेस करने पड़े। मींस की पोइटेस कहना चाह रही हैं कि उनके हस्बैंड ने उन्हें जो है रूम में बंद करके उनके साथ जो है मतलब ज़बरदस्ती सेक्सुअली इंटीमेट होना जो है उनके साथ चाहा था, तो उनका ये जो एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था। तो यहाँ पर आपकी कमला दास जी जो है अपनी पेन जो है बता रही हैं आफ्टर मैरिज कि उनकी फुल बॉडी पेन कर रही थी। तो फिर पोइटेस बताती हैं कि एक दिन फिर उन्होंने अपने इस वुमेन अपीयरेंस का त्याग करने का डिसाइड किया, उन्होंने टी शर्ट डाल दी, ट्राउजर पहन लिया एंड अपने हेयर्स को भी छोटा छोटा कटवा दिया एंड उन्होंने अपने वुमेन हुड को ही त्याग दिया। तो मतलब इतना ज़्यादा ये इस चीज़ से मतलब सफ़र कर रही थी, तो उन्होंने एक दिन जो है खुद को एज अ मैन जो है कन्वर्ट करने की कोशिश की। एंड पोइटेस आगे बताती हैं कि उन्होंने मैन गेटअप ले लिया था तो जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है वो उन्हें एक्यूज करना शुरू कर देती है एंड उन्हें एज वुमेन रहने के लिए फोर्स किया गया कि वो साड़ी पहने एंड एक अच्छी वाइफ एंड एक अच्छी मदर बने।
तो मतलब कि यहाँ पर सोसाइटी ने पोइटेस का फ्रीडम छीनने की एक तरह से कोशिश की। तो जो पोइटेस है वो आगे बताती हैं कि उन्होंने सोसाइटी की बनाई हुई बाउंड्रीज को फिर भी क्रॉस किया। तो वो एक आदमी से मिली जिसके साथ उन्होंने अपने फिजिकल रिलेशन बनाए, एंड पोइटेस बताती हैं कि उस आदमी ने पोइटेस को उसका नाम तक नहीं बताया। और वो पोइटेस इस यहाँ पर रियलाइज़ करती हैं कि उस आदमी की ऐसी नेचर ने ये रिफ्लेक्ट कर दिया कि सोसाइटी का हर आदमी सेल्फिश होता है जो जस्ट वुमेन को एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट यूज़ करता है, मतलब कि अपने सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए ही वुमेन का यूज करता है, एंड अदरवाइज उनको मतलब वुमेन की कोई वैल्यू नहीं होती है। एंड एंड में पोइटेस कहती हैं कि वुमेन तो बस ट्रू लव चाहती हैं, वो हमेशा स्पिरिचुअल एंड इमोशनल लव अपने पति से एक्सपेक्ट करती हैं, एंड वुमेन कभी भी लस्टी डिजायर्स को पूरा करने के लिए अपने हस्बैंड का मिसयूज नहीं करती हैं। तो यहाँ पर जो कमला दास हैं वो सिर्फ इतना बताना चाह रही हैं कि मैन के लिए सोसाइटी में कोई बाउंड्रीज नहीं है, जो बाउंड्रीज हैं वो सिर्फ वुमेन के लिए हैं, मतलब कि सोसाइटी जो है वो हमेशा वुमेन को रोकती है ये मत करो वो मत करो। लेकिन अब जो कमला दास हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो भी अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर एज अ मैन जिएंगी, एंड वो सोसाइटी की बाउंड्रीज को तोड़ेगी जो उसे कैद किए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारी एन इंट्रोडक्शन पोएम की समरी ख़त्म होती है। तो जैसे कि आपने देखा कि कमला दास जी काफ़ी बोल्ड पोइटेस हैं, इन्होंने हर चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इस पोएम में बताई है। तो इस वजह से ये जो आपकी पोएम है इसको स्टार्टिंग में पब्लिकेशन के दौरान जो है थोड़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी थी। ओके, तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, बिकॉज MEG7 पर अभी और भी वीडियोज़ आने वाली हैं। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।